उत्तर के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला संयोजक माता दीन दहमीवाल के नेतृत्व में सर समाज के लोगों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम के लीडर महेंद्र सेन को ज्ञापन सौंपा। दहमीवाल ने बताया कि करौली जिले में अनुसूचित जाति समाज की लड़की के साथ हुई ज्यादती और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ ही किसी परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास जोशी ने बताया कि प्रदेश की गहलोत सरकार संवेदनशील नहीं है, महिलाओं और कमजोर वर्ग पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। आज हिंडौन कस्बे के अंदर करौली में एक 20 वर्षीय दलित बालिका के साथ गैंगरेप और उस पर तेजाब डालकर जो उनकी जो फायरिंग के द्वारा जो गोली मारकर हत्या की गई है वो जघन्य, मैं उसकी निंदा करता हूँ। गहलोत सरकार दलित उत्पीड़न रोकने में विफल रही है, निरंकुश शासन है। देश में बढ़ते और राजस्थान में बढ़ते दलित अत्याचारों को गहलोत सरकार रोकने में नाकामयाब है। अनुसूचित जाति मोर्चा इसके लिए गंभीर है। करौली ज़िले में एक दलित बच्ची जो 20 साल की थी उसके साथ जबरन उसको उठा करके रेप किया गया और उसके बाद में उसके ऊपर तेजाब डाल करके उसे जान से मार दिया गया। कांग्रेस के शासन में महिलाओं पर और बच्चों पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यह ऐसा शासन है जहाँ कोई बहन बेटी सुरक्षित है या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आज जब महिलाएं बाजार में जाती हैं या कहीं भी जाती हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा करने में एकदम विफल रही है, इसलिए हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। ये झूठी सरकार है, झूठ बोलकर सत्ता में आई और अब पुनः जनता को लालच देकर और फिर आना चाहती है। जनता इनके अत्याचारों से, चाहे वो दलित उत्पीड़न हो चाहे अन्य कोई बेरोजगारी हो, जनता बहुत दुखी है और जल्दी ही इस सरकार का